डीप नॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ये रहा मेरा बाइक RS 200 VS 4 पल्सर। 10,000 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आप इसका आइडल इंजन साउंड सुन लीजिएगा। और दोस्तों आज मैं आपको कुछ राइडिंग टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपका बाइक का इंजन सेफ रहेगा हमेशा के लिए। दोस्तों आज मैं इंजन के मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। इसके लिए मैं 5 जबरदस्त टिप्स बनाया हूँ जो कि आपका बाइक का इंजन लाइफ अच्छा बना देगा, नो डाउट श्योर। सबसे पहले दोस्तों, नंबर 1, प्रॉपरली एडजस्ट योर क्लोच फ्री प्ले। दोस्तों आपके बाइक में क्लोच का एडजस्टमेंट प्रॉपरली होना चाहिए क्योंकि ऐसे करने से आप अच्छे से गियर शिफ्टिंग कर पाओगे। और दोस्तों आपका न्यू बाइक में क्लोच बराबर अच्छा से फिटिंग होके रहता है। अब जब भी आपका न्यू बाइक रेसिंग बाइक हो, कोई भी बाइक हो, रेसिंग बाइक में आपका जो इंजन का पावर है, जितना बीच भी है, जितना स्पीड से घूमता है, वो सभी स्पीड को क्लोच अपने ऊपर ले लेता है और ट्रांसमिशन तक भेजता है। दोस्तों हम जब रेसिंग बाइक में राइड करते हैं टॉप गियर में, तभी क्लोच ही है सभी पावर को बाइक का व्हील तक भेज देता है। और दोस्तों इसी वजह से आपका बाइक में माइलेज भी आता है क्योंकि क्लोच 100% पावर को ट्रांसमिशन तक भेजता है। क्लोच डैमेज होने से ये सब नहीं हो पाएगा और क्लोच 100% पावर को ट्रांसमिशन तक भेज नहीं पाएगा। वो 80-60-70% पावर को कंज्यूम, मतलब अपने ऊपर लेगा। तब आप एक्सलेटर दोगे और आपका रेप ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा खर्चा होगा, आपके बाइक में माइलेज ड्रॉप का इशू फिर से आ जाएगा क्लोच डैमेज होने से। इसीलिए दोस्तों आपके बाइक में क्लोच एडजस्टमेंट प्रॉपरली कीजिएगा और बाइक का राइडिंग का असली मजा लीजिएगा। दोस्तों आपके बाइक में क्लोच का एडजस्टमेंट 1 mm to 2 mm के अंदर ही रखना है, ज़्यादा मत रखना है, तभी आप अच्छे से गियर शिफ्टिंग कर पाओगे और बाइक राइड का असली मज़ा ले पाओगे। क्लोच एडजस्टमेंट सही ना होने पर आपको गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होगा। अगर आपने नया बाइक लिया है तो आपका क्लोच एडजस्टमेंट सही ना रहने पर आपको बाइक गियर शिफ्टिंग करने पर आपको स्मूथ नहीं लगेगा, वो अटक अटक सा लगेगा। जैसे कि आप सही कर दोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, आप अच्छे से मतलब स्मूथ से गियर शिफ्टिंग कर पाओगे, कोई भी गियर डाल सकते हो जैसे कि। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा दूर मतलब मूव करना है, बाइक को रनिंग करना है, तभी आप अच्छे से शिफ्ट कर पाओगे। पहले फास्ट 1, 2, 3, 4 इस रेशियो से आप चेंज कर सकते हो, झट से आप 2 तक मत जाना। कुछ लोग होते हैं दोस्तों वो 2 से ही स्टार्ट करते हैं, यानी 2 नंबर गियर से ही स्टार्ट करते हैं और 2 नंबर से ही बंद कर देते हैं, कोई भी गियर में बंद कर देते हैं। ऐसे नहीं करने का, नहीं तो आपका इंजन अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे आप मतलब गियर जिस रेशियो से दिया गया है उस रेशियो से आप भी उसको शिफ्ट करना है। सबसे पहले आपका वार्क को ना हो, आप कुछ टाइम तक आप एक नंबर गियर से ही कुछ दूर जाना है, जैसे कि 1-2-3-4 meters तक, तभी बाद में आप 2 नंबर में शिफ्ट कर सकते हो। नंबर 2, एडजस्ट चेन स्लैकनेस ऑफ योर बाइक। दोस्तों बाइक में चेन स्लैकनेस मैनुअल के हिसाब से रखना है। आप कभी भी ज़्यादा स्लैकनेस पे ड्राइव करने से झटका होता है, ये चीज़ इंजन के लिए अच्छा नहीं है। RS 200 में 15 mm to 25 mm के बीच में ही रखना है। अगर आप चेन एडजस्टमेंट कर रहे हो तो 15 mm या 16 mm रख सकते हो, ये सही रहेगा। कुछ लोग होते हैं दोस्तों वो लोग गियर शिफ्ट करने से ही बाइक को झटका होता है और इंजन ऑफ हो जाता है। उन लोगों को पहले कोई पुरानी बाइक से प्रॉपर तरीके से बाइक राइडिंग सीखना है, तभी RS 200 को वो लोग ड्राइव कर सकते हैं। चेन स्लैकनेस ज़्यादा होने पर भी बाइक झटका खाता है, ये किसी भी तरह की झटका रेसिंग इंजन के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 3, सर्विस इन इंटरवल पीरियड। दोस्तों RS 200 पल्सर में 5000 किलोमीटर ही सर्विस इंटरवल पीरियड का टाइम है, उसमें आप सर्विस कर सकते हो। अगर आप खुद घर में सर्विस कर रहे हो तो एग्जैक्ट 5000 किलोमीटर से पहले ही आप 100-200 किलोमीटर पहले ही आप सर्विस करवा लेना, ये आपके बाइक इंजन के लिए सही रहेगा। नंबर 4, डोंट क्रॉस 80 स्पीड बिफोर कंप्लीट दी थर्ड सर्विस। दोस्तों आपका बाइक एक रेसिंग स्पोर्ट्स बाइक है, नो डाउट इसका इंजन नया में स्मूथ होता है और इसमें जो क्रैंकशाफ्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कुछ दिन राइडिंग करने पर इसमें ऑटोमेटिकली हार्डनेस आ जाता है, बाइक में ये चीज़ धीरे धीरे से होता है,
एक नया बाइक का इंजन 10,000 किलोमीटर तक काफी एक्सपीरियंस से गुजरता है। दोस्तों इस टाइम में अगर आपके बाइक में ऑयल लेवल ज्यादा है तो बाइक ओवरहीटिंग होता है और क्रैंक और इसका ट्रांसमिशन आपस में ज्यादा घिसता है। डैमेज ऑयल की वजह से इसमें ओवरहीटिंग आ जाता है। ये चीज़ एक रेसिंग इंजन के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा तभी ये सोल्यूशन आप खुद कर सकते हो। 10,000 किलोमीटर एक माइलस्टोन है दोस्तों, जहाँ पर बाइक का सभी इश्यूज आ जाता है। इसलिए दोस्तों आप थर्ड सर्विस तक अपने बाइक को संभाल के राइड करना है, ये सभी न्यू बाइक वाले के लिए है। नंबर 5, प्रॉपरली राइड योर बाइक। दोस्तों अपने बाइक को प्रॉपरली राइड कर रहा है क्योंकि ये रेसिंग बाइक का इंजन है, रेसिंग स्पोर्ट्स बाइक है, इसमें 3 प्लग हैं। दोस्तों आपको मैं प्रॉपरली राइड मतलब आपको प्रॉपरली गेयर शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। प्रॉपरली गेयर शिफ्टिंग आप करोगे तो आपका बाइक इंजन सही रहेगा, नहीं तो आपका क्लच प्लेट डैमेज तो होगा ही और आपका क्रैंकशाफ्ट जो है वो भी डैमेज होने की चांसेस है। दोस्तों आप पहले गेयर शिफ्टिंग अच्छे से कीजिएगा, जैसे कि मैं आपके सामने आज ड्राइविंग करने वाला हूँ। दोस्तों ड्राइविंग से पहले आपको अपना इंजन ऑयल का लेवल चेक करना है, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके 3 मिनट तक छोड़ देना है, उसके बाद आप जर्नी पर जा सकते हो। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट करके छोड़ा था, अभी देखिए मेरा बाइक अभी मतलब 1 नंबर गियर पर है। अभी थोड़ा दूर रन करने के बाद, जैसे कि सबसे पहले दोस्तों आप फास्ट गियर में कुछ दूर जाओगे यानी 10 मीटर्स तक, उसके बाद फिर से क्लच दबा के सेकेंड में शिफ्ट करना है गियर, और ऐसे में आपको थोड़ा और थ्रोटल दे के कुछ देर जाना है और फिर क्लच देने के बाद फिर से गियर शिफ्ट करना है, और 3 या 4 गियर में आप बीच टाउन में घूम सकते हो। जब भी आपको टाउन से बाहर जाना है आप 5 या 6 नंबर गियर शिफ्ट करके थोड़ा स्पीड दे के जा सकते हो। दोस्तों ये बात ध्यान में रखना है, जब भी आप गियर शिफ्ट करोगे उससे पहले क्लोच को आपको प्रेस करना है, तभी आप अच्छे से गियर शिफ्ट कर पाओगे। और दोस्तों और एक चीज, अगर आप 60 से ज़्यादा स्पीड में राइड करोगे तो आपको माइलेज नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए दोस्तों अगर आपको जरूरत है तो स्पीड में जा सकते हो, नहीं तो नहीं। कुछ लोग होते हैं दोस्तों वो ना राइड करते वक्त क्लोच को और फ्रंट ब्रेक को पकड़ के ही ड्राइव करते हैं। दोस्तों ये बैड हैबिट है। आप जब भी गियर शिफ्ट करोगे, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, उससे पहले ही क्लच को प्रेस करोगे, वो भी फुल। दोस्तों राइड करते वक्त ब्रेक को या क्लच को पकड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आप नीचे गिर भी सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा हिलने से आप ब्रेकिंग भी हो सकता है या क्लच दबाने से आपका बाइक रेज भी हो सकता है, ये इशू कभी भी आ सकता है। इसलिए आपको मतलब क्लोच को और ब्रेक को पकड़ने का नहीं, नीचे भी पैर भी आप फुटरेस्ट पर ही रखना, वो भी ब्रेक के ऊपर मत रखना, क्योंकि ये सडन दब गया तो आपका ब्रेकिंग भी हो सकता है, आप गिर भी सकते हो। जब कभी भी आपके सामने एक ऐसा इशू आ जाए जैसे कि आपको सडन ब्रेक देना पड़े, तभी आप साइड में मत जाना, क्योंकि बीच रोड पर ही आप ब्रेकिंग करना, उसके बाद आप धीरे से साइड हो सकते हो, नहीं तो आपका बाइक स्लिप हो सकता है, क्योंकि जो पिच रोड होता है उसके साइड में रेत होता है, रेत में आप यानी ब्रेकिंग करोगे तो आपका बाइक स्लिप होगा ही होगा। इसलिए आप जिस एरिया पर रेत नहीं है उसी एरिया पर आप ब्रेकिंग करना, उसके बाद आप साइड जा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप ब्रेकिंग से कर सकते हो, और ब्रेकिंग करते वक्त आपका हैंडल सीधा रहना जरूरी है, तभी आप स्लिप होने से भी आप सीधा ही जाओगे, नहीं तो नीचे भी गिर सकते हो। दोस्तों तो मुझे डिस्क ब्रेकिंग करने की काफ़ी आदत है, एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मैं पहले 100-100 स्पीड में बाइक भगा रहा था और ब्रेकिंग भी किया हूँ और स्लिप भी हुआ हूँ, तो ये चीज़ मैं आपको शेयर किया आज। अगर ब्रेकिंग करते वक्त आपका हैंडल सीधा रहे तो आपका गिरने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप सही से रह पाओगे, नहीं तो आप हैंडल बेंड करके थोड़ा ब्रेक करोगे यानी रेत एरिया में ब्रेक करोगे, आपका बाइक स्लिप होने की 100% चांसेस है। रेसिंग बाइक में हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त भागते फिरो, मैं जानता हूँ आपको भागने का मन कर रहा होगा, फिर भी कभी कभार आप हफ्ते में 2 बार भगा सकते हो अपने बाइक को। अगर आप सिटी एरिया में हो तो आप आपके रोड के हिसाब से थोड़ा बहुत आप भगा सकते हो। फिर भी दोस्तों हम जर्नी में RS 200 को 60, 70, 80 तक भगाने में कोई रिस्क नहीं है, पर जब भी आप गांव एरिया से गुजरने पर
स्लो करना जरूरी है, 60 तक ले जाना है, और ज्यादा क्या बताऊं दोस्तों, आप बाकी सब कुछ जानते हो। तो दोस्तों RS 200 में ब्रेकिंग करते वक्त हैंडल सीधा करके ही दोनों ब्रेक अप्लाई करना है, नहीं तो आप नीचे गिर सकते हो। कभी भी 80 स्पीड में ब्रेकिंग करते वक्त हैंडल मत घुमाना, नहीं तो ये आपके लिए सीरियस हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बाइक राइडिंग का मजा लीजिएगा। जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल डीप नॉलेज फॉर योर बेटर इन्फॉर्मेशन। यू कैन वॉच माई चैनल प्लेलिस्ट RS 200 पल्सर। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड माई व्हाट्सएप नंबर 8763733659। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। जय हिंद।